तो जी हाँ भाई, स्वागत है एक और वीडियो में। तो हाल ही में कृष्णा के पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिसमें उसने हिंदू गॉड की डिसरिस्पेक्ट करी है। तो कृष्णा को फिलहाल काफी हेट मिल रहा है। बेसिकली कुछ पेजेस ने कृष्णा के 2016 के कुछ ट्वीट्स दिखाए हैं कि वो हिंदू गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट करते थे। बाय द वे, कृष्णा वो सारे ट्वीट्स पहले ही डिलीट कर चुके हैं। तो इस कारण से कृष्णा के सारे इंस्टा पोस्ट पे अब गालियां पड़ी है। मतलब वो रैपर जो हर इंडियन फेस्टिवल की स्टोरी डालता अपने इंस्टा पे, वो भाई धर्म पे नहीं मानता। सबसे बड़ी बात भाई, वो खुद कश्मीरी पंडित है। मतलब वो बंदा जो अपने गाने में रेफरेंस दे रहा है हिंदू गॉड के, अगर कृष्ण सही में डिसरिस्पेक्ट करता है हिंदू गॉड की तो भाई मैं खुद वीडियो बनाता। अगर वो अभी कुछ उल्टा बोले भाई हिंदू गॉड के बारे में तो बिल्कुल करो, हेट कोई दिक्कत नहीं है। और वो ट्वीट 4-5 साल पुराने हैं तो उसने करा भी होगा, तो भाई अब वो मूव ऑन कर गया होगा उन सबसे। और अगर उसने करा भी तो पास की बात है। अगर तुम सेंस पे उसको अभी गाली दोगे तो मुझे लगता नहीं कोई सेंस है इस बात की। मैं खुद मानता हूँ हिंदू गॉड को बुरा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है, पर तुम उनको डिफेंड करने के लिए फिर माँ बहन की गाली दे रहे हो किसी को, तो वो तो बिल्कुल भी गलत है। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लोग जो कल तक बोलते थे कि भाई मैं फैन हूँ कृष्णा का, अब वो गाली दे रहा हूँ उसकी माँ बहन को। तुम्हारा बहुत सही है, कभी एमवी की तरफ कभी कृष्णा की तरफ हेट देने के लिए। अगर तुमको उसे नहीं सुनना तो अनफॉलो कर दो, बॉयकॉट कर दो, पर यार माँ बहन की गाली मत दो किसी को भी जाकर ऐसे, क्योंकि फिर तुम अगर भगवान को डिफेंड करने के लिए माँ बहन की गाली दे रहे हो तो क्या ही पॉइंट रह जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कृष्णा का ऐसा इंटेंशन था हिंदू गॉड के बारे में ऐसा बोलने का। तो यही चल रहा है पूरे देश में। अगर तुम ऐसी वीडियो और चाहते हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।